यही रॉन्ग नंबर तुम जग्गू का बिरयान मां ठोक दिया और अलग कर दिया सरफराज। रॉन्ग नंबर कौन सा रॉन्ग नंबर? कि सरफराज धोखा देगा, मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? तो उसने धोखा दिया, इसमें झूठ क्या है? जो बोलता था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, वो आज खुद अपनी बीवी को धोखा दे दिया। ई रॉन्ग नंबर वा, जरूर कोई फिरकी ले रहा है। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आमिर खान ने अपनी ज़िंदगी में दो शादियाँ की, वो भी हिंदू लड़कियों से। आमिर खान ने पहली शादी 1986 में रीना दत्त से की थी, जिससे कि उनको दो बच्चे हैं, जुनेद खान और ईरा खान। और उन्होंने उस हिंदू लड़की को डिवोर्स दिया 2002 में। फिर कुछ समय रुककर उन्होंने एक और हिंदू लड़की को फंसाया, उसको तो आप जानते ही होंगे, किरण राव। उससे भी आमिर खान को एक बच्चा है, जिसका नाम है आज़ाद खान। और इस साल आमिर खान उस हिंदू लड़की को भी डिवोर्स दे रहे हैं। मुबारक हो। अभी भी आप लोगों की आंखें ना खुलें तो हम क्या कर सकते हैं। अब उनका तीसरा शिकार कौन होंगी ये हम नहीं जानते, शायद कोई हिंदू ही लड़की हो। लेकिन मीडिया और सुर्खियों से पता चल रहा है कि आमिर खान की तीसरी बीवी ये हो सकती हैं। आप इन्हें गौर से देखिए, इन्होंने दंगल मूवी में आमिर खान की बेटी का रोल निभाया है। बहरहाल हमको इससे क्या लेना देना, हमको तो सिर्फ तैमूर की माँ का इंतज़ार है। आखिर तैमूर की माँ भी कब तक खैर मनाएगी। चलिए छोड़ते हैं, अब आते हैं आज की कहानी पर। ये किसी हिंदू मुसलमान के ऊपर नहीं है, ये शांति दूतों के ऊपर है। तो शुरू करते हैं। एक 35 साल के शांति दूत ने एक हिंदू लड़की को फंसा लिया। दोनों घर से भागकर रेलवे स्टेशन को जा ही रहे थे कि रास्ते में उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और दोनों के परिवार वालों को थाने बुलाया। उन दोनों के परिवार ने थाने में जाके बहुत हंगामा किया। थानेदार बहुत समझदार था, उसने दोनों के परिवार को समझा बुझाकर घर भेज दिया और सुबह आने के लिए कहा। रात में थानेदार ने लड़की को अपने कमरे में बुलवाया और समझाया, लेकिन लड़की किसी भी हालत में उस लड़के से अलग होने के लिए तैयार नहीं थी। थानेदार ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें कल सुबह उस लड़के के साथ भेज देंगे, लेकिन एक शर्त है, आज तुम्हें मेरे लिए और अपने होने वाले पति के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। और लड़की देखिए खुशी खुशी यह बात मान गई। थानेदार ने कहा, चलिए ठीक है। उसने हवलदार को आवाज़ दी और कुछ पैसे दिए और कहा, यह खाने का सामान तुम जल्दी से लेके मेरे रूम पर आओ। कुछ ही देर बाद हवलदार खाने का सामान लेकर आ जाता है। थानेदार उससे बोलता है कि यह खाने का सामान तुम ले जाकर रसोई में रख दो, और लड़की को बुलाता है। लड़की से कहता है, तुम रसोई में जाओ, वहाँ पर खाने का सारा सामान आ चुका है और जल्दी से खाना बनाकर लेकर आओ। जैसे ही लड़की रसोई घर में पहुंची, उसकी चीख निकल गई और वह उल्टी करते करते रसोई के बाहर आई। तभी थानेदार ने पूछा, क्या हुआ बेटी, कैसे परेशान हो? तभी लड़की बहुत जोर से उल्टी करते करते बोली, वहाँ पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, किसी जानवर की कटी हुई गर्दन पड़ी हुई है, मैं एक पल रसोई घर में नहीं रह सकती। तभी थानेदार बोला, बेटी बस 2 मिनट में घबरा गई, तू जिस चीज़ को देखकर भागी है ना, वहाँ पे तुझे सारी ज़िंदगी यही काम करना है और यही सारी चीज़ देखनी है, क्या तू इस सब के लिए तैयार है? और दूसरे ही दिन लड़की सुबह उठते ही अपने माँ बाप के घर जाने के लिए जिद करने लगी। अगर अभी भी सेकुलर लड़कियों की आंखें ना खुली हों तो भविष्य आपका आपके हाथ में है। और दूसरी बात, जो अपने माँ बाप की ना हो सकी वो किसकी होगी? ये तो छोटा सा मैसेज था। एक और बात, अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस मैसेज को इतना फैलाइए कि हर हिंदू लड़की के मोबाइल में जाए, और आगे से कोई भी हिंदू लड़की किसी भी प्रकार की बातों में ना आए, किसी शांति दूत के बहकावे में ना आए। अगर आप यह चीज़ उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप देखिए फैमिली मैन, जिसमें कि मनोज वाजपेयी की बेटी को भी एक शांति दूत ने ही फंसाया था। उसने भी यही मैसेज दिया था जो मैं दे रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग सेकुलर ना बने, आप हिंदू हैं,
हिंदू ही बनके रहें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हो सके तो एक छोटा सा लाइक मार दें। बोलिए राधे राधे।